हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एट 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19 एंड 20 नवंबर की, 19 एंड 20 ऑफ नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्कशन करेंगे। ओके और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। एमसीक्यूज़ जो मैंने सेट किया वो न्यूज़ में से ही है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं देखा, क्योंकि नंबर्स लगभग 14,000 के आसपास हैं। तो इसका मतलब आप में से काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा। मैंने कल 102 एमसीक्यूज कराए थे पूरे वीक के। पूरे वीक में न्यूज़ थी मात्र 85। ओके और हमने 17 और एक्स्ट्रा न्यूज़ कवर की थी एमसीक्यू फॉर्म में, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी रहा था। तो कल का सेशन देख लेना। आज के डेट में आपको 2 वीक के एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों की तैयार हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट वीक जो मेरी तरफ से अभी ड्यू है वो, और थर्ड वीक। ओके, सेकेंड वीक का अभी हुआ नहीं है, तो पहला और तीसरे वीक की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, और वो आज ही मिल जाएंगे आपको। प्लस आज 12 बजे एक और गवर्नमेंट स्कीम है जिसको मैं कवर करने जा रहा हूँ, तो आज 12 बजे का सेशन भी आप लोगों को देखना है। स्टार्ट करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट। ओके, स्मॉल वॉक यू हैव टू टेक अलोन। ओके, सम वॉक, नॉट अ स्मॉल वॉक, सम वॉक। और मैं तो बोलता हूँ कि हर हर एक कदम आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। देखो, पहली चीज तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि कोई आएगा आपके लिए कुछ भला करने के लिए, कोई नहीं आने वाला। ये आपकी एक गलत फहमी है, और ये भी हमें भी लगती थी शुरुआत के दिनों में, लगता है यार नहीं इसके साथ चलो, इसके साथ चलो, ये चलो, वो चलो, सब साइड मेरे भाई, आपको अकेले चलना है, आपको अकेले ही चलना है। इस बात को समझना, और इस बात को जितना जल्दी अडॉप्ट कर लोगे उतना बेहतर है। आपकी लाइफ, आपकी मेहनत, आपका जीवन आपको बेहतर बनाएगा। आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, आपके प्रयास। आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, आपके प्रयास। आपको बेहतर कुछ पाना है, आपके प्रयास। आपको बेहतर जगह पहुंचना है, आपके प्रयास। आपके प्रयास मेरे दोस्त, हो सकता है आपके लगातार प्रयास ना चल रहे हो इसलिए आपको लगता हो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मेरे दोस्त अगर प्रयास लगातार होंगे ना तो जीवन में आप हर चीज पा सकते हैं। समझ रहे हैं, भारत ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, 10 मैचों में बहुत बढ़िया परिणाम मिला, एक मैच में मेरे दोस्त वो प्रयास बेहतर नहीं हो पाया, तो परिणाम देख रहे हो। ये जीवन है मेरे भाई, आपके जीवन में भी हो सकता है, मेरे जीवन में भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि मेरे भाई जब मौका मिले तब उसे भुनाए, गलती ना करें मेरे भाई। ठीक है, तो मौका मिला इसे भुनाइए, अपने प्रयास लगातार करते रहिए, और ये जो जीवन है इसको आगे लेके चलते रहिए, हर दिन कुछ बेहतर करने की तलाश में मेरे भाई आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाकी आपको किसी भी बैच में एडमिशन लेना है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसबीआई का बैच आ चुका है, मेरा फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो चुकी है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। आज इसमें करंट अफेयर की भी क्लास है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी क्लास है। ओके, ये सब महापैक का भी पार्ट है। तो आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, वॉरियर प्रो बैच लेना है, इसमें 4 बैचेस मिलते हैं आपको। एसबीआई क्लर्क ही सिर्फ पढ़ना है, प्री प्लस मेंस एसबीआई क्लर्क बैच लीजिए। आप चाहते कि नहीं यार मेरे को तो मेंबरशिप चाहिए जिसमें कि मैं प्री मेंस इवन हर एक एग्जाम कवर कर सकूं, तो फिर बैंक महापैक आप ले सकते हैं। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं इसके लिए, Y168। ओके, और बाकी इतना कोशिश करिएगा कि एज सून एज पॉसिबल मेरे दोस्त अपनी क्लासेस आप शुरू कर दें। अगर आप शून्य पे बैठे हैं तो अपनी फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दें, पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो अपनी क्रैश कोर्सेस मेरे भाई जो यूट्यूब पे है, जो पेड में, उनको शुरू कर दीजिए। ओके, बाकी ऐसे मेरे भाई मित्र दोस्त जिन्होंने अभी तक अध्ययन करंट अफेयर्स बुक को नहीं ऑर्डर किया है, एक बार इसे ऑर्डर करिए। ओके, बहुत हाई प्राइस नहीं है, 240 का प्राइस है, इसको भी रिड्यूस करके Y168 एस कोड जब आप लगाएंगे तो ये आपको 197 का पड़ेगा, जिसमें आपके डिलीवरी और शिपिंग चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वार्टरली बुक है जिसमें कि जुलाई अगस्त सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको दिए हुए हैं। ओके, इंग्लिश एडिशन है, एक बार इसको मेरे दोस्त आप ऑर्डर करिए और फील करिए कि करंट अफेयर्स का लेवल होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते पहले सवाल के साथ। पहला सवाल खुद में न्यूज है और इंदिरा गांधी पीस प्राइज रिलेटेड है, या इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मामेंट डेवलपमेंट, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, इंदिरा गांधी प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मामेंट डेवलपमेंट 2022, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मेरे भाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। तो ये आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। ओके, तो देवर अवार्डेड, इन दोनों को सम्मानित किया गया है COVID-19 जो वॉरियर है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, COVID-19 में जो काम किया है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो मतलब ये यू कह सकते हैं जो COVID-19 वॉरियर है उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, यहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मेरे दोस्त सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। ओके, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब, इन्होंने डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज को सम्मानित किया था। अभी शरद कुमार अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम है रॉय के जॉर्ज, इसलिए मेरे भाई इनको ये अवार्ड दिया गया। ओके,
इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, और जो इंटरनेशनल पीस है उसको प्रमोट करने के लिए अवार्ड मिलता है। अक्सर पूछ लेता पर्पस क्या है, कौन अवार्ड देता है। पहली दफा ये 1986 में ये अवार्ड दिया गया था, और दिया गया था पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन को। ओके, इस अवार्ड में जो कैश अवार्ड या कैश प्राइज है वो 2.5 मिलियन इंडियन रुपी है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 2.5 मिलियन इंडियन रुपी यहां पर कैश प्राइज है। ओके, एक सिटेशन भी यहां पर दिया जाता है। क्लियर, पहला न्यूज डन। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, मतलब सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मित्रों दोस्त ये मनाते हैं 19 नवंबर को, 19th ऑफ नवंबर को ये डे मनाया जाता है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है, ये 20 तारीख को मनाते हैं। 20th ऑफ नवंबर, आज एक और इंपॉर्टेंट डे हम लोग 20th ऑफ नवंबर का डिस्कस करेंगे, एक अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे है, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस है, इसके अलावा एक और है। ओके, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, उसका नाम याद रखना, अफ्रीका इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। ओके, इसका वेन्यू रहा था एडिस अबाबा, और इसका थीम रहा था इंपेरेटिव फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अफ्रीका। इंपेरेटिव फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अफ्रीका, ट्राई टू रीड यार, एटलीस्ट रीड जरूर करना। ओके, बहुत बार हम लोग इसको स्किप कर देते बट यार नहीं, स्किप नहीं करना। अफ्रीका इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का वेन्यू आपको याद रखना है, किसने ऑर्गेनाइज किया वो याद रखना है, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे याद रखना है। ओके, तो तीन हमारी न्यूज कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट, ये अभी यार ये ना टनल अभी न्यूज में चल रही है, आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब 40-41 लोग जो है वो इस टनल में फंस गए हैं। ओके, अब ये टनल इंपॉर्टेंट है, ये सुरंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 2018 में इसको ना कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव भी किया था। ओके, इसका नाम है सिल्क्यारा बारकोट टनल। अभी आ सकता है क्वेश्चन की ये कहां पर है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है ये सुरंग। असल में कैबिनेट कमेटी ने 2018 में अप्रूवल दी थी 4.531 किलोमीटर लॉन्ग सिल्क्यारा बैंड बाराकोट टनल की। ओके, और अभी इसी टनल को अभी हम लोग न्यूज में देख रहे हैं क्योंकि वहां पर कुछ लोग फंस गए हैं, अभी तक किसी को निकाला नहीं गया है। ठीक है, बट लगातार काम चालू, आई होप सो मेरे भाई जल्दी उनको बाहर निकाल लिया जाए। इस काम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंतर्गत, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे इसके माध्यम से नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो इस काम को इंप्लीमेंट करी, मतलब ये प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन का काम इसके पास है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, कौन इसके प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है, कितने किलोमीटर ये लॉन्ग टनल है मेरे भाई, और 2018 में इसको कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया था, ये कहां पर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइंस कोयल एंड रेलवे, ध्यान से सुनिएगा, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइंस कोयल रेलवे, इनका नाम क्या है, ये मैंने पूछा क्योंकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल एक इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस रही थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रही थी। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस 2023 है इसका वेन्यू ऑस्ट्रेलिया का सिडनी रहा था, और इसमें अपने यहां से एक मंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था। वही मेरा सवाल है कि मंत्री जी का नाम क्या है, मंत्री जी का नाम है राव साहेब पाटिल दानवे। ओके, ये बेटा आपके खान कोयला और रेलवे राज्य मंत्री है। ओके, रेलवे राज्य मंत्री, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विद विच कंट्री, किस देश के साथ इंडिया साइंड एग्रीमेंट, भारत ने समझौता किया है फॉर कोऑपरेशन ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड एनहेंस क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, मेडिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, जो मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन है उसमें कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, इस देश का नाम है नीदरलैंड। ओके, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। ओके, एम्स्टर्डम कैपिटल, करेंसी यूरो, फाइन। असल में हुआ क्या था, अभी एक इवेंट रहा था वहां पर, इवेंट का नाम था वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम मीटिंग। ओके, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, ये WHO का एक इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम मीटिंग, और इस मीटिंग का वेन्यू था द हेग नीदरलैंड। ओके, यहां पे भारतीय दल का जो नेतृत्व किया था वो भगवंत खूबा ने किया था। अभी भगवंत खूबा कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके, ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने
नीदरलैंड के हैग में आयोजित दूसरी विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि अब यहां पर भारत का दल गया, उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था। इस तरीके का क्वेश्चन आया है एक बार जब पीयूष गोयल साहब गए थे तब ये पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है, अभी वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WHO का इतना तो समझ में आ गया, बट इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो मेडिसिन और अदर हेल्थ केयर तकनीक है, ठीक है, उनकी पहुंच को बढ़ाना है। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेडिसिन और जो हेल्थ से रिलेटेड जो तकनीक है वो पहुंचे, उसको लेकर ये वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम यहां पर बनाया गया। ओके, तो ये कहां पर इसका वेन्यू रहा, भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया, इनिशिएटिव किसका है, उसका पर्पस क्या है, प्लस मेरे भाई भारत में अभी किस देश के साथ मेडिकल के क्षेत्र में समझौता किया है, तो वो नीदरलैंड के साथ समझौता भारत का रहा था। ठीक है भाइयों, डन। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लैगशिप पब्लिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिपोर्ट है ना, ये लगभग लगभग अगर मेरे कोई अगर मेरी खुली हुई होगी मेरे भाई ये वाली फाइल, तो लगभग लगभग मेरे भाई ये शायद 300 350 400 पेज की ये एक रिपोर्ट रही थी। एक मिनट मैं देखूं जरा, लंबी चौड़ी रिपोर्ट रही थी। तो इस रिपोर्ट को तो मैं नहीं अभी पढ़ा रहा, लेकिन उस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक क्वेश्चन है जो बन सकता है उसको समझ लेते हैं। असल में ये एक संस्था, इसका नाम है CAFRAL। ओके, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इसका नाम है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023, IFR 2023। तो इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने रिलीज करी, ये रिलीज की थी सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने। सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने ये पहला इसका पब्लिकेशन रहा था। ठीक है, इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023। सवाल बहुत सिंपल सा है, इसको इनमें से किसने रिलीज किया था, किस व्यक्ति ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था? तो ये RBI के गवर्नर साहब है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया था जो कि कैफरेल ने तैयार करी थी। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो कैफरेल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इसको 2011 में सेटअप किया गया था, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, RBI के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में रिसर्च और लर्निंग है इसको प्रमोट करने के लिए। बैंकिंग और फाइनेंस में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो उसका काम अब कौन देखेगा, कैफरेल देखेगा, और इसको बनाने वाले का नाम RBI है। 2011 में इसको सेटअप किया गया था। अब जो अभी ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसका नाम है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023, इसका विषय क्या रहा था, इसका थीम क्या रही थी? तो इसकी थीम थी कनेक्टिंग द लास्ट माइल। ओके, कनेक्टिंग द लास्ट माइल, बस इतना याद रखना, कनेक्टिंग द लास्ट माइल इसका विषय रहा था। ये एक इनडेप्थ असेसमेंट प्रोवाइड करता है NBFC कंपनीज के बारे में। ओके, तो देश में इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या होगा कि NBFC जो है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, उनका एक मूल्यांकन यहां पर इसके माध्यम से मिलता है। अब मेरे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैफरेल कब बना था, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, IFR की फुल फॉर्म क्या है, IFR की कैफरेल CAFRAL की फुल फॉर्म क्या है, ओके, इसका थीम क्या रहा था IFR का, ये आप याद रख सकते हैं। किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, शक्तिकांत दास साहब के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, कैफरेल इज नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिकम ऑपरेशनल January 2011। ओके, अच्छा, इसमें जो ना गवर्निंग काउंसिल होती है ना, उस गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नर ऑफ RBI होते हैं। तो अभी शक्तिकांत दास साहब यहाँ पर इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है, ये भी याद रखना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून अपॉइंटेड एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री, मतलब एक समय में मेरे दोस्त ये प्रधानमंत्री रहे थे, सोचो एक समय में प्रधानमंत्री, अब इनको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया। सिंपल शब्दों में बोले तो विदेश मंत्री भी बोल सकते हो आप लोग इनको। ओके, तो यहाँ पर विदेश सचिव नियुक्त किसको किया गया है, तो ये डेविड कैमरून और ये यूके के हुए हैं। ठीक है, किसके बेटा, यूके के, यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आपको पता है, ऋषि सनक। ओके, ऋषि सनक, क्लियर। 8 न्यूज हमारी कंप्लीट हो गई MCQ फॉर्म में, अब डिटेल न्यूज कंप्लीट करते हैं। यहां से यार चीजें थोड़ा समय दीजिएगा, बेहतरीन बेहतरीन न्यूज है। साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा प्राइज है तो वो JCB प्राइज है, क्योंकि इसकी प्राइज मनी 25 लाख रुपए है। एग्जामिनर भी मेरे दोस्त इस पर निगाह रखता है जब भी ये हर साल दिया जाता है। ओके, जब मतलब जिस भी साल दिया जाता है, तो JCB प्राइज फॉर लिटरेचर वो किसको मिला है, पेरुमल मुरुगन को, पेरुमल मुरुगन। ओके, असल में एक तमिल राइटर है, ये लाइन जरूर याद रखना, ये क्या है, तमिल राइटर है पेरुमल मुरुगन, इनको JCB प्राइज दिया गया है इनके नोवेल फायर वर्ड के लिए। अब क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है फायर वर्ड किसका नोवेल है, तो ये
तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन का है। पेरुमल मुरुगन कौन से राइटर है? तमिल राइटर है मेरे भाई, उर्दू राइटर है, उड़िया राइटर है, तो ये तमिल राइटर है। इनको जेसीबी प्राइज दिया गया है और इनका जो एक इंग्लिश मतलब एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज तमिल नोवेल, सिंपल शब्दों में बात करें तो ये जो फायर वर्ड है ये इंग्लिश से ट्रांसलेशन है इनके तमिल नोवेल अलंदा पाची का। ये नाम जरूर याद रखना बेटा, अलंदा पेची जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद है ये फायर वर्ड। ओके, और इसके लिए इनको जेसीबी प्राइज दिया गया। जेसीबी जो प्राइजेस में प्राइज मनी 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज है। और ये जो बुक है इसको ट्रांसलेट किया था जनानी, ठीक है, जननी, जननी कनन ने। ओके, जननी कनन ने इसको ट्रांसलेट किया था एंड इट इज पब्लिश बाय पेंगुइन। तो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पब्लिश किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया, ओके, तमिल नोवेल का नाम क्या है, इसके इंग्लिश नोवेल का नाम क्या है, इसके राइटर का नाम क्या है, कौन सा प्राइज दिया गया है, प्राइज मनी क्या है, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तमिल राइटर है, ये सारी चीजें। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ये 2018 में पहली दफा दिया गया था, शुरू हुआ था, और ये बेन यामिन को दिया गया था पहली दफा, ठीक है। ये हर साल दिया जाता है, 25 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी है, और जो भी इंडियन ऑथर है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, स्पॉन्सर्ड बाई जेसीबी। ओके, मजा आ गया, समझ में आ गया, लाइक मत करना मेरे भाई, ठीक है, या इंसान गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहेगा बट तुम लाइक मत करते रहना, कंटेंट बढ़िया मिलता रहेगा, कुछ भी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन नहीं कैसे लाइक कर देंगे मेरे भाई, हम तो झुकेंगे ही नहीं। हाँ आई नो सबका मूड खराब है, बट मेरे दोस्त जो रात गई बात गई, अब छोड़ो, मूड तो मेरा भी खराब है, सबका ही खराब है, ठीक है, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का मूड खराब है, बट अब उसके बारे में सोच नहीं सकते, अभी आगे बढ़ते हैं। 2024 वर्ल्ड कप की अब उम्मीद लगाते हैं मेरे भाई कि हार्दिक पांड्या कुछ कमाल करेगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, फ्री फोकट का मेरे भाई। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी? निकारागुआ की एक लेडी, इनका नाम है सेनिस पलासियोस। ओके, सेनिस पलासियोस, एक दो बार नाम पढ़ेंगे तब जाके दिमाग में सेट होगा, ठीक है, सेनिस पालासियोस। ओके, तो निकारागुआ की ये जो पालासियोस है इनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया। ओके, खितिया ताज पहनाया गया, फाइन। निकारागुआ की कैपिटल पता आपको? मानागुआ। करेंसी चलती कॉर्डोबा, मानागुआ कॉर्डोबा। तो ये इसका 72nd एडिशन रहा था, एक तो 72वां संस्करण हुआ, ये तो समझ में आ गया। अल सल्वाडोर में रहा था, ये भी क्लियर हो गया। अल सल्वाडोर की कैपिटल है सन सल्वाडोर, तो अल सल्वाडोर के सन सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स कंपटीशन रहा था, 72वां संस्करण रहा था, और टॉप पर निकारागुआ की रही थी मेरे भाई, और जो थाईलैंड की है एंटोनिया पोर्सिल्ड। ओके, एंटोनिया पोर्सिल्ड ये फर्स्ट रनर अप रही थी, मतलब कि दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे रही थी यहां पर मिस ऑस्ट्रेलिया मोराया विल्सन। ओके, मोराया विल्सन, नाम थोड़ा पढ़ने में आपको टफ लग रहा होगा बट मैं सब याद करा दूंगा, ठीक है। तो मिस थाईलैंड यहां पर एंटोनिया, एंटोनिया पोर्सिल्ड ये प्रथम रनर अप रही थी, और मिस ऑस्ट्रेलिया मोराया विल्सन ये द्वितीय रनर अप रही थी। 72वां संस्करण ये कहां पर रहा था? तो अल सल्वाडोर के सन सल्वाडोर में। ओके, ये यहां पर रहा था, डन। 72वां एडिशन, विनर चैंपियन कौन है वो क्लियर है, किस देश से वो क्लियर है, पहले रनर अप दूसरे रनर अप किस देश से है ये भी क्लियर होना चाहिए, नाम भी क्लियर होना चाहिए। स्टेट न्यूज पे आते हैं, और जहां बात होगी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, जीआई टैग की। ओके, और ये जीआई टैग दिया गया लद्दाख के एक फल को, जंगली फल को दिया गया है, इसका नाम है सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न, याद रहेगा बेटा, सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिल गया, मतलब लद्दाख को चौथा जीआई टैग मिल गया है सी बकथॉर्न के लिए। ओके, लद्दाख की बात कर लेते जरा, थोड़ा अपने को हमें छुपाना पड़ेगा, पर्दे के पीछे। ओके, चलते हैं पर्दे के पीछे। लद्दाख में मेरे दोस्त एप्रिकोट, ये आप देख सकते हो एप्रिकोट, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया एप्रिकोट। लद्दाख में खुबानी, ठीक है, दूसरा है यहां पर पश्मीना, ये आप शॉल देख रहे हो पश्मीना। ओके, और ये लद्दाखी वुड कार्विंग, इनको इससे पहले जीआई टैग दिया जा चुका है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, इसने अभी लद्दाख सी बुकथॉर्न को भी जीआई टैग दिया है, डन। तो ये चौथा जीआई टैग हो चुका है लद्दाख के लिए, क्लियर। ऑबिचरी बहुत शानदार है भाई, अभी ऑबिचरी क्यों शानदार है इसको जरा समझना, ये है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ओके, एस वेंकट रमन। ओके,
एस वेंकट रमन सब सर की बात जब भी आती है तो क्लियर हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब भारत में आए थे 1990-91 का मेरे दोस्त, तो उससे बचाने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा आता है, तो वो इनका नाम आता है एस वेंकटी रमन। ओके, वेंकट रमन इनके ही कार्यकाल के दौरान ये रहा था। तो भारत ने 1990-91 में बीओपी बचाव के वास्तुकार एस वेंकट रमन का निधन हो गया, वह 92 वर्ष के थे। तो एस वेंकट रमन हु मैनेज द अफेयर एट द सेंट्रल बैंक व्हेन द कंट्री फेस टू मेजर क्राइसिस। अब इनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 2 मेजर क्राइसिस फेस किए थे। एक मिनट इसको पढ़ना, बस 1 मिनट में आया मैं। पढ़ लिया मैंने भाई। तो दो केसेस रहे थे, एक तो सिक्योरिटी स्कैम जो रहा था हर्षद मेहता वाला, एक वो इनके कार्यकाल के दौरान रहा था, ठीक है, और दूसरा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रहा था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है सामने कि एस वेंकट रमन जिन्होंने 1990-92 की अवधि में केंद्रीय बैंक के मामलों का प्रबंधन किया था, जब देश के दो बड़े संकटों का सामना करना पड़ा, भुगतान संतुलन संकट जिसके कारण सोना गिरवी रखना पड़ा, और हर्षद मेहता द्वारा शुरू किया गया प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, इन्हीं साहब का अब निधन हो चुका है। ये 18th गवर्नर रहे थे, 18वें गवर्नर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनका कार्यकाल 2 साल का रहा था, 90 से 92 तक। ये फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 1985 से 1989 तक। इनकी एक किताब है, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी रिव्यूज एंड कमेंट्रीज। ओके, इसका 3 वॉल्यूम आए थे, इंडियन इकोनॉमी रिव्यूज एंड कमेंट्रीज। क्लियर है भाई, कमेंट्रीज। ये अब देखो बुक पूछी जा सकती है किस नंबर के गवर्नर थे, ये पूछा जा सकता है। फाइन, इनके कार्यकाल के दौरान कौन से दो क्राइसिस हुए थे, अब वो क्वेश्चन वो अगर बहुत ज्यादा ही गंदा बनाने को बैठा है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, बट एटलीस्ट अपने को तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ के चलने पड़ेंगे। एमओयू और एग्रीमेंट की बात करें तो एमओयू और एग्रीमेंट बहुत बेहतर हुआ है। ये एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का हुआ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब तो दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि सर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में तो नहीं हुआ। हाँ जी, उसी के क्षेत्र में हुआ है। असल में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, उसको प्रमोट करने के लिए, उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां पर एक समझौता किया गया। एक बात को तो हमें समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, आज के टाइम में हमें अगर दर्द होता है तो हम इंस्टेंट दवाई ले लेते हैं, बट अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो ये जड़ से चीजों को खत्म करने में बहुत कामयाब होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब ये कहते हैं कि भाई जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ओके, जो पारंपरिक चिकित्सा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना जरूरी है, उसके लाभ के बारे में लोगों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। उसको लेकर WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये समझौता किया है, इसका नाम है प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन एग्रीमेंट। ओके, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, पारंपरिक पूरक चिकित्सा समझौता यहां पर किया गया है। अब इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का जो स्टैंडर्डाइज करना, मतलब उसके मेरे दोस्त मानकीकरण करना, भाई अगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो वही बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीमेंट का, कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज करना, ओके, उसकी क्वालिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट को नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना, मतलब तो जोड़ना मेरे भाई, तो नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ क्वालिटी और सेफ्टी जो एस्पेक्ट है उसको जोड़ना, ओके, और इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इस मेडिसिन सिस्टम के बारे में, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के बारे में लोगों को बताना, ये इस समझौते का उद्देश्य रहा है जो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे भाई? समझ में आ गया, मजा आ गया मेरे दोस्त? नेक्स्ट, अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, अब ये जो समझौता किया है, जो ये उद्देश्य है, इसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटजी 2025 और 34 को प्रिपेयर कर रहा है WHO। मतलब अब एक जल्दी आपको देखना करंट अफेयर्स में एक और नया टॉपिक देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटजी। ओके, अभी इसको WHO मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। इसका समय इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा 2025 से 2034। बात समझ में आ गई?
WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ध्यान से सुनिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, कहां पर, स्विट्जरलैंड में, ओके, स्विट्जरलैंड जिनेवा इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है टेड्रोस, टेड रॉस, ठीक है, अदानोम गैब्रे यूसेस, मैं अदानोम लिख देता हूं, ठीक है, अदानोम टेड्रोस, टेड्रोस अदानोम गैब्रियोसिस। तो ये तीन चीजें जरूर याद रखना, कब बनाता, हेड कौन है, और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ओके। 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जितने मेरे भाई बंधु पहली दफा जुड़े हैं, ठीक है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, मेरे भाई एक दिन में समझ में नहीं आऊंगा, एटलीस्ट आपको 1, 2 और 3 दिन देना है। देखो दोस्त, तुम्हें मोहब्बत हो सकता है कि पहली नजर में हो जाए, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे से मोहब्बत अगर तुम चाहते हो करना, तो हम लंबी दूरी की मोहब्बत करेंगे, कुछ दिन की मोहब्बत नहीं करेंगे, कि आज तुम यहां हो, कल फिर मेरे दोस्त बेवफाई करके कहीं और चले जाओगे, फिर वहां मेरे दोस्त बेवफाई का इम्तिहान होगा तुम्हारा, और तुम्हें वहां पर मोहब्बत नहीं मिलेगी, फिर तुम मेरे पास लौट के आओगे, हम सर मजा नहीं आया वहां पर, सर मोहब्बत अच्छी नहीं लगी। मैं कहूंगा, मेरे भाई तो तनिक जरा इंतजार करो, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का, 3 दिन मेरे दोस्त मोहब्बत करो, अपने नैन और हमारे नैन मिलाइए, कंटेंट से कंटेंट मेरे दोस्त लगाइए, और देखिए अगर ना मजा आ जाए मेरे भाई आपको, बट यार दोस्त आपको एटलीस्ट 3 दिन तो हमें देने पड़ेंगे, 3 दिन, और फिर देखना तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम मेरे दोस्त खुश हो जाओगे, ठीक है, लेकिन 3 दिन तो मेरे को देना तुम लोग, ठीक है। नेशनल न्यूज पे आते हैं, नेशनल न्यूज बहुत शानदार है। आज तारीख कितनी है सर, 20 नवंबर है, और 20 नवंबर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू होने वाला है, 54th एडिशन, भाई हर साल गोवा में रहता है, और 54th एडिशन इस साल भी गोवा में है, और मेरे भाई मेरे दोस्त शुरू होगा आज से, ओके। ओपनिंग सेरेमनी की बात करेंगे तो ये रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम इसी में रहेगी ये। ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट इसकी ओपनिंग मूवी रहेगी, जबकि द फेदरवेट ये क्लोजिंग मूवी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश फिल्म और यूएस फिल्म, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग मूवी रहेगी, ओके। 270 मूवीज यहां पर स्क्रीन की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जाएगा माइकल डगलस को, ओके, हॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर माइकल डगलस, इनको इससे सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पहली दफा ओटीटी अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, ओटीटी अवार्ड, और जो ओटीटी सीरीज और फिल्म है ना, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। फिल्म बाजार इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के पैरेलल, उसके साइडलाइन में, ठीक है, एक को प्रोडक्शन मार्केट इवेंट है फिल्म बाजार, इसको भी मेरे दोस्त ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जितने अभी राइट नाउ उससे रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया रिलेटेड, वेन्यू क्लियर है, गोवा एडिशन क्लियर है, 54th, ओके, इंडोर स्टेडियम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर ओपनिंग सेरेमनी रहेगी, ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटिश मूवी है, क्लोजिंग सेरेमनी में यूएस मूवी है, द फेदरवेट ये क्लोजिंग मूवी है, कैचिंग डस्ट ये ओपनिंग मूवी है, ठीक है, ये सारी चीजें, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस साहब को दिया जाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई, एक भी स्किप नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, फिशरीज मिनिस्टर का नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, ओके, रूपाला साहब ने क्या किया है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 को इनॉग्रेट करना है इनको, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 है, शायद आज ही है, आज से शुरू होगी, गुजरात के अहमदाबाद में पुरुषोत्तम रूपाला साहब इनॉग्रेट करेंगे। रूपाला साहब फिशरीज मिनिस्टर है, मतलब मत्स्य पालन मंत्री है। तो देखो यहां से इतना तो क्लियर हो गया, इवेंट का वेन्यू, ठीक है, यहां से इतना तो क्लियर हो गया मेरे भाया, इवेंट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023, ओके, इसका वेन्यू क्लियर हो गया, गुजरात का अहमदाबाद, और मेरे दोस्त पुरुषोत्तम रूपाला साहब की बात करें, शुक्रिया, ठीक है मेरे दोस्त, ये इसको इनॉग्रेट करेंगे, फिशरीज मिनिस्टर है, ओके। इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वा कल्चर वेल्थ, सेलिब्रेटिंग वो मत्स्य क्षेत्र है, उसको बेहतर करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, ओके, तभी नाम लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग, थीम है सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वा कल्चर वेल्थ, मतलब कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का उत्सव। इंटरनेशनल न्यूज ये बड़ी शानदार है मेरे भाई, पाब्लो पिकासो, ओके, कौन नहीं जानता यार, हर कोई जानता है, फेमस पेंटर, उनकी एक पेंटिंग है और उसकी कीमत देखो जरा, 139 मिलियन यूएस डॉलर, बाप रे बाप, 139 मिलियन यूएस डॉलर, कम है कि ज्यादा है। मैं अपने वॉरियर बैच में इतनी पेंटिंग बनाता हूं मेरे भाई, मैं उनसे तुमसे कितना चार्ज करता हूं, 1496, और ये देखो एक पेंटिंग का कितना चार्ज हुआ, 139 मिलियन यूएस डॉलर, पाब्लो
रुइज पिकासो, ओके, एक स्पेनिश पेंटर, स्कल्पचर, प्रिंट मेकर, ओके, थिएटर डिजाइनर। इन्होंने अपनी लाइफ मेरे दोस्त मैक्सिमम फ्रांस में स्पेंड करी है और इनकी ही एक ये पेंटिंग है। फाइन। और ये कितने में बिकी है? 139 मिलियन US डॉलर। मोस्ट वैल्यूबल आर्ट ऑक्शन दिस ईयर, इस साल की सबसे महंगी इनकी पेंटिंग है, पाब्लो पिकासो की 1932 पेंटिंग। इसका नाम है फेमेन आ ले मॉन्ट्रे, ओके, फेमे ए ला मॉन्ट्रे। इसका इंग्लिश नेम है वीमेन विद द वॉच, ओके, वीमेन विद द वॉच, देख सकते हो आप लोग, ये इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसका नाम है वीमेन विद अ वॉच। फाइन। और सोल्ड हुई है 139 मिलियन US डॉलर में। 9 डिजिट प्राइस मेड इट इज सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव पिकासो पेंटिंग है। इससे पहले लेस फेम्स डे ऑलगर, ओके, वर्जन ओ, ये जो रही थी ये 179.3 मिलियन US डॉलर में सोल्ड हुई थी 2015 में। और अब जाके ये मेरे दोस्त देख सकते हो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव पिकासो पेंटिंग है। न्यूज बहुत शानदार है मेरे भाई। फ्रांस मेरे दोस्त एक मिसाइल का टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, और ये मिसाइल जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, लंबी दूरी का मेरे दोस्त बैलिस्टिक मिसाइल है और फ्रांस ने इसका परीक्षण किया है। असल में फ्रांस ने जो टेस्ट फायर किया वो M51.3, ये जरूर याद रख लेना नाम, M51.3 एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये फ्रांस का है, ठीक है। इसको डेवलप किया है एरियन ग्रुप ने, एरियन ग्रुप एक ज्वाइंट वेंचर है एयरबस और सैफरन का, ये फ्रेंच डिफेंस ग्रुप है, सैफरन और एयरबस इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर, एरियन ग्रुप के द्वारा इसको तैयार किया गया है। वैसे इतना घुस के पूछेगा नहीं, बट फिर भी अपन को याद रखना है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है शक्ति वरुण गरुण डेजर्ट नाइट, शक्ति वरुण गरुण डेजर्ट नाइट। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में, ओईसीडी का हेडक्वार्टर भी आपका फ्रांस के पेरिस में, ओके। समिट और मीटिंग, अपेक इकोनॉमिक लीडर्स जो मीटिंग रही थी वो अभी कंक्लूड हुई है, ठीक है, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। अब देखो अक्सर क्या होता है, जैसे आगरा में कोई मीटिंग हो तो हम नाम देते हैं आगरा डिक्लेरेशन, जैसे अभी G20 नई दिल्ली में रहा तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, वैसे गोल्डन गेट डिक्लेरेशन अडॉप्शन हुआ है। अपेक इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग रही थी, अपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस न्यूज को। तो बेटा अपेक जो मीटिंग रही, अपेक जो समिट रहा था इकोनॉमिक लीडर्स का, वो कहां पर हुआ था? ये यूएस ने होस्ट किया, इसका 30th एडिशन रहा था, सैन फ्रांसिस्को में रहा था। आप लोगों ने एक चीज अनुभव की हो, अभी सैन फ्रांसिस्को न्यूज में था, उसका रीजन क्या था? अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है, वो वहां पर गए थे, आईपीईएफ को लेकर भी समझौता हुआ था, वहां मीटिंग को भी उन्होंने अटेंड किया था, तो काफी इवेंट रहे थे। तो उसी के पैरेलल ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग भी रही थी सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर ही इन्होंने कहा है कि भाई जो सदस्य देश है उनके बीच में जो सस्टेनेबल फ्यूचर है उनका, उसको बेहतर करने के लिए, व्यापार को बेहतर करने के लिए, संबंधों को बेहतर करने के लिए हम गोल्डन गेट डिक्लेरेशन यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, ओके। यूएस ने अपेक को होस्ट किया इस साल, और अब नेक्स्ट ईयर जो अपेक समिट होगा 2024 में, वो पेरू होस्ट करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे भाई? 30th एनिवर्सरी रही है फर्स्ट, मतलब पहला जो समिट रहा था 1993 में रहा था, अब यहां पर 30वीं एनिवर्सरी देखने को मिली हम लोगों को इस साल, ओके, समझ में आ गया। अपेक की बात करें 1989 में ये बना था, एस्टेब्लिश हुआ था अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेंबर कंट्रीज में यहां पर 21 मेंबर कंट्रीज, ओके, 21। फाइन, ये दो चीजें आप याद रख लेना, 21 मेंबर कंट्रीज हो गई और इसका ये। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछी जा सकती है, अपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जहां तक मुझे याद है सिंगापुर में, एक बार तुम लोग क्रॉस चेक करना है इसको, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? जहां तक मुझे याद है बेटा सिंगापुर में है, ठीक है, क्लियर। दो हजार 23 का जो समिट है वो यूएस ने होस्ट किया है, इट मार्क्स द थर्ड टाइम द यूएस होस्ट द अपेक समिट हैविंग होस्टेड 1983, ओके, 1993 में भी यूएस ने होस्ट किया था, 2011 में भी यूएस ने होस्ट किया था, एंड दिस टाइम इट इज थर्ड, मतलब ये साल थर्ड टाइम रहा है जब यूएस ने होस्ट किया है, ओके, और तो कोई पॉइंट इसमें है नहीं। और नेक्स्ट जो होगा वो बेटा पेरू होस्ट करेगा, ठीक है, पेरू, ये याद रखना, पेरू की कैपिटल है लीमा, लीमा, करेंसी यहां पर सोल चलती है, जो मुद्रा है यहां पर वो सोल चलती है, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट,
ये न्यूज़ बहुत शानदार आएंगी मेरे भाई, थोड़ा एक दो न्यूज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा बड़ा शालीनता से। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, इसने अभी एक गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च करी, डिजिटल गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च करी है पंजाब नेशनल बैंक ने, और इसके दो वेरिएंट हैं। दोनों वेरिएंट हम लोग यहां पर समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना कि एक बैंक जिसने कि गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य वही है कि यार दोस्त आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, कस्टमर्स को क्विकली मीट देयर पर्सनल एज वेल एज एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ब्ला 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 ब्ला। इसके गोल्ड लोन, एक तो इसका नाम, यहाँ पर दो स्कीम है, इसमें गोल्ड लोन है और एक का नाम है स्वर्णिम। मेरे को जो लगता है ना वो ये है कि स्वर्णिम पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम अभी एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए किसका एक गोल्ड लोन प्रोडक्ट है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक का है, पीएनबी का है। ओके, ये एक पूछा जा सकता है पॉइंट। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना था, 1894 में, ठीक है, 1894। इसके फाउंडर का नाम है लाला लाजपत राय, ये नाम जरूर याद रखना, लाला लाजपत राय। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ का नाम क्या, अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना, आपके लिए होमवर्क रहेगा। चेयरमैन का नाम, पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन का नाम क्या है। ओके, आरबीआई ने देखो है क्या कि जो ये रिलायंस कैपिटल है, इसका मेरे दोस्त पीपे बच गए। ओके, इसकी स्थिति खराब हो गई, अभी बिकने की कगार पे आ गई, बिकना मतलब रिजोल्यूशन इसका हो गया है, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा है कि अब इसको एक्वायर कौन कर रहा है, इसको एक्वायर कर रहा है हिंदुजा ग्रुप एंटिटी, ठीक है। तो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया भाई, हिंदुजा ग्रुप को बोल दिया कि बेटा सुन, एक काम कर, तू रिलायंस कैपिटल को ले ले। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान, समझ में, कि समाधान योजना फॉर डेट रिडन रिलायंस कैपिटल। तो कर्ज में डूबी हुई रिलायंस कैपिटल को बेच दिया गया है और हिंदुजा ग्रुप की जो एंटिटी है इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, इसको यहां पर इस कंपनी को बेच दिया गया है। आईआईएचएल ने हाईएस्ट बिडर रहा था, ये 9,650 करोड़ रुपए में इसको यहां पर खरीदा गया है। ओके, अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने जिनके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन प्लान अभी इनिशिएट किया था, उसमें एक रिलायंस कैपिटल, तीसरी बड़ी एनबीएफसी, उससे पहले श्री ग्रुप एनबीएफसी, देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये दो थी जिनके अगेंस्ट में बैंकरप्सी प्रोसीडिंग जो थी अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आरबीआई ने इनिशिएट की थी। अब होता क्या है इसमें कि ऐसे जो कि कर्ज में डूबे हुए होते हैं ना, अब उनको ना चलाने के लिए ना मेरे दोस्त जैसे सी अपॉइंट कर दिया, अब सी अपॉइंट कर दिया वो क्या करेगा, कोशिश करेगा चलाने की कि भाई ये कंपनी चल जाए। अब कंपनी की औकात ही नहीं है, वो चल ही नहीं पा रही मेरे भाई, कंपनी के तो पीपे बजे वो वारे नहीं आ रहे हो गए, तो फिर क्या करते हैं इसकी मेरे दोस्त, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग मतलब इनिशिएट कर देते हैं, या तो कोई खरीद लेगा या तो फिर मेरे भाई इसको बेच दिया जाएगा, ठीक है। अब तो यहां पर इसको बेच ही दिया है और वो मतलब खरीद लिया गया है आईएएचएल के द्वारा, ठीक है। आईएएचएल ने 9,650 करोड़ रुपए में बोली लगाई थी, हाईएस्ट बिडर रहा था और खरीद लिया गया मेरे भाई रिलायंस कैपिटल को इसके द्वारा। और रिलायंस कैपिटल तीसरी बड़ी एनबीएफसी है जिसके अगेंस्ट में आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट किया था। अब इसके अलावा दो और रही है, श्री ग्रुप एनबीएफसी रही और डीएचएफएल रही, ये दो नाम और याद रख लेना, ठीक है। अगर वो ज्यादा घुस के पूछेगा ना तब मेरे दोस्त ये और पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इतना घुस के पूछेगा। ये न्यूज बहुत शानदार है, इस चीज को समझने से पहले ना, न्यूज को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, अपन थोड़ा खिसक जाता है। ओके, खिसकने की वजह छोटा क्यों नहीं हो जाता है, अब सही है, फाइन। श्री राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल। अब मेरे भाई ये फॉरनर है और ये इंडियन है, ओके, हिंदी में लिख देता हूं, देसी और विदेशी है, ठीक है, देसी और ये विदेशी। ओके, ये मतलब भारत का है और ये फॉरेन का है। अब ये दो लेन देन कर रहे हैं ये आपस में, ए भैया सुनना, अपने यहां से मेरे को दो मोमोज की प्लेट देना। हाँ भाई ले ले, क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई, इसने मोमोज की प्लेट ले ली मेरे भाई। अब इसको ये पेमेंट कैसे करेगा, डॉलर में, डॉलर में करेगा, ये सुन लो, डॉलर डॉलर डॉलर, ए भाई शून्य मोमोज देना, ए भाई चटनी लाल वाली देना, ए नमयोनिस भी देना, म्यूनिस भी देना, जो भी बोलो मेरे भाई देना। मेरे भाई उसने दे दिया, उधर से वो कहता है ए भाई तू भी देना, क्या देना, अबे डॉलर देना। तो भाई डॉलर तो अपन के पास है नहीं, अपन के पास तो रुपया है मेरे भाई, फिर क्या हो। फिर अपन को याद आया, ओ माई गॉड, कुछ दिन पहले आरबीआई ने बोला था 2022 में कि अब हम इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा उसका सेटलमेंट रुपी में करेंगे,
किस में करेंगे बेटा? रुपी में करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट रुपी में करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आरबीआई ने कहा कि अब मैंने इसको यहां पर समझ लो मैं ही हूं मेरे भाई, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया सुन भाई अब हम लोग इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना, जो हम लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कर रहे हैं, उसका सेटलमेंट अब हम रुपए में करेंगे। ओके, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विदेशी बैंक है इसका भारत में, ठीक है, एक विदेशी बैंक होगा, ये ट्रेडर नहीं, एक फॉरेन बैंक होगा, वो अपना यहां पर खाता खोलेगा इंडियन बैंक में। ओके, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, इसको नाम दिया गया SRVA, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, बात समझ में आ रही है? और इस अकाउंट से हम मेरे दोस्त यहां से ट्रांजेक्शन करेंगे। बात क्लियर हो रही है? अब यहां पर क्या होगा बेटा, अगर इस बंदे को पेमेंट करना होगा तो वो यहां पर इसको दे देगा, इस बैंक में दे देगा, वो यहां से यहां दे देगा मेरे भाई। इसको करना होगा तो मेरे भाई वो इसको दे देगा, वो यहां से यहां दे देगा। अपन का रुपया मेरे दोस्त मजबूत हो रहा है, रुपये में लेन देन हो रहा है, डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, समझ रहे हो? अब आरबीआई ने कहा कि देखो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट तो तुम ओपन करके बैठे ही हो, बट और ज्यादा हम एक्सपोर्टर्स को मदद करना चाहते हैं। ये अब अपना माल बेच रहा है, ठीक है, इसको हम और मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम स्पेशल करंट अकाउंट भी खोल सकते हो। आरबीआई ने ऐसा अप्रूवल दिया है, तो आरबीआई ने बैंक्स को अभी परमिट किया है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग। अब जैसे ये बंदा है, देसी बंदा है, ये माल बेच रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, अब इसके माल के बदले में पैसा आएगा, तो वही लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग, एक्सपोर्ट से जो पैसा आया है उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा आरबीआई ने यहां पर दी है। किनको मेरे दोस्त? बैंक्स को दी है, अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट तो आप खोल ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसके अलावा आप करंट अकाउंट भी खोल सकते हो। बात समझ में आ गई मेरे भाई? आया भेजे में कुछ घुसा? देखो सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये है कि हमें अपने रुपए को मजबूत करना है। आज के समय में हम लेन देन करते हैं डॉलर में करते हैं, हमें एक डॉलर खरीदने के लिए मेरे भाई 82-83 रुपए पे करने पड़ते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन करेंसी के प्राइस अप होते हैं डाउन होते हैं इसका रिस्क रहता है, हमें नहीं सोचना ना इसके बारे में, हमें पता हमें रुपए में लेन देन करने, भाई हम रुपए में देंगे रुपए में लेंगे, बात खत्म। इससे मतलब ही हमारा सेटलमेंट ही रुपए में होगा, अपना रुपया मजबूत हो रहा है, काफी देशों के साथ भारत इस तरीके का समझौता कर रहा है। ओके, तो आरबीआई ने परमिट किया है ओपन एडिशनल करंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग इन एडिशन टू स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट विद अ व्यू टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपोर्टर। बात समझ में आ गई? एक्सपोर्टर्स को और ज्यादा मदद करने के लिए स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट के अलावा इन्होंने कह दिया कि करंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। ओके, जुलाई 2022 में आरबीआई ने डिसाइड किया था कि जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो रुपी में सेटल होगा। ओके, रुपी में सेटलमेंट अलाउड किया। अब इसमें जो ऑथोराइज इंडियन बैंक होंगे वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मेंटेन करेंगे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज बैंक। अब जैसे कि कोई पार्टनर कंट्री ट्रेडिंग बैंक विदेशी बैंक है, विदेशी बैंक हमारे देश में कोई खाता खोलेगा तो वो कौन सा खाता कहलाएगा? स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। जिन्होंने मेरा वॉरियर प्रो बैच लिया होगा ना, मैंने उनको पढ़ाया था नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो मिरर अकाउंट, ये सब पढ़ा रखे हैं, ठीक है, उनमें से एक आ गया वॉस्ट्रो अकाउंट। तो यहां पर अभी मैं जो समझा रहा हूं ना, अगर आपने वॉरियर बैच कर रखा है तो आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए बस केक वॉक हो जाती है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो थोड़ा चीजों को समझा करो, ये समझ में आया? क्लियर हुआ मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। व्हेन इंडियन पार्टनर वांट टू मेक अ पेमेंट, अब जैसे मैं हूं मेरे दोस्त, मैं पार्टनर, मैं पेमेंट करना चाहता हूं, व्हेन इंडियन पार्टनर वांट टू मेक अ पेमेंट टू फॉरेन ट्रेड इन रुपी, ठीक है, द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू वॉस्ट्रो अकाउंट। अब जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसा कि यहां पर स्पेशल रुपी, अगर मैं पेमेंट करना चाह रहा हूं तो मैं यहां पर पेमेंट कर दूंगा मेरे भाई, और यहां पर जो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है इसमें अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो बैंक होगा यहां से पैसा निकाल के इसको विदेशी को दे देगा। सेम मेरे दोस्त इसका उल्टा भी यही है। इसका उल्टा क्या है कि इन अ रिवर्स सिनेरियो अमाउंट टू बी पेड टू एन इंडियन ट्रेडर इज डिडक्टेड फ्रॉम वॉस्ट्रो अकाउंट। भाई वहां से पैसा वॉस्ट्रो अकाउंट में डालेगा, यहां पर डिडक्ट मिल गया, इसका नाम है पे ग्लोकल। ओके, तो आरबीआई ने पे ग्लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है। पे ग्लोकल एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, ये क्रॉस बॉर्डर पैसे हस्तांतरित करने की सुविधा देता है, और इसको भी आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की। मतलब अगर पेमेंट एग्रीगेटर का काम शुरू करना है तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिएगा। अभी पे ग्लोकल को मिला है। ओके, इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज दो है यहां पर, एक तो वर्ल्ड टॉयलेट डे। ओके, वर्ल्ड टॉयलेट डे ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19th of November को, और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को रहा, ये आपका 19th of November को। इसका थीम था एक्सलरेटिंग चेंज। ओके, एक्सलरेटिंग चेंज, समझ रहे हो? और इसमें इन्होंने क्या किया, ये आपको एक पक्षी दिख रहा होगा, एक बर्ड दिख रही होगी आपको, ठीक है, तो ये जो
हमिंग वर्ड, इसका नाम है हमिंग वर्ड। हमिंग वर्ड इज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड वाटर डे। अब ये वर्ड क्या करती है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये था कि जैसे आग लग जाती है तो ये कहती है छोटे छोटे अपनी चोंच में पानी भर भर के ये अपनी तरफ से क्या कर सकती है, बड़ी भाई आग बुझा तो नहीं सकती, बट इसकी वो देखिए विल पावर देखिए, ये अपनी चोंच में बूंद भर भर के भर भर के भर भर के ड्रॉपलेट होते हैं उनके माध्यम से उसको बुझाने की कोशिश करती है। तो जितनी हमारी मतलब हम जितना कर सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए, ये यहाँ पर ये बता रही है। ओके, तो ह्यूमन ये जो हमिंग वर्ड है ये इसका सिंबल है वर्ल्ड टॉयलेट डे का, इवन वर्ल्ड वाटर डे का भी ये सिंबल है। ओके, और एक्सेलरेटिंग चेंज ये वर्ल्ड टॉयलेट डे का विषय रहा। और वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्त, एक बात तो समझो, लोगों को अवेयर करना है। आज जैसे लोग खुले में शौच करते हैं, खुले में जब अभी भी काफी लोग होंगे मेरे दोस्त, उनको माहौल ही खुला खुला पसंद है, तो ठीक है अभी भी गांव देहात में आप जाएंगे तो कुछ लोग हैं नहीं, हम तो खेत में जाएंगे, ठीक है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका परिणाम समझिए क्या होता है, आपके आपकी हेल्थ तो खराब होगी मेरे दोस्त, आपके परिवार की हेल्थ भी खराब होगी। ओके, ये ऐसी चीज होती है काइंड ऑफ स्लो पॉइजन, ये आपको इंस्टेंट नहीं मेरे दोस्त कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है, बट धीरे 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 जैसा कि हवा मेरे दोस्त अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है समझते हो ना मेरे दोस्त, तो उससे क्या होता है आपको तुरंत नहीं एहसास होता लेकिन सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, धीरे 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 जो जहां बंदा 100 साल जीता था वो धीरे 90 भी हो रहा है, वो 80 में जा रहा है, 70 में आ रहा है, 65 में आ रहा है, आप देखो समस्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज यंगस्टर को मेरे भाई हार्ट अटैक आ रहा है, उसका रीजन क्या है, ये छोटी 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 चीजें जो हमें दिखती नहीं है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते चले जा रहे हो, हमारी लाइफ का पार्ट बनती चली जा रही है। तो हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी, तो वही यार हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको भी बेहतर बनाने की जरूरत है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाने का उद्देश्य है कि भाई 19 नवंबर लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में। ओके, और इसका थीम आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाई भारत में चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को आता है, विश्व में चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को आता है, एग्जाम का क्वेश्चन रहा था ये वाला वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। ओके, ये पहली दफा 1954 में स्टैब्लिश किया गया था, थीम थी इसकी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है भाइयों, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, डन। मजा आ रहा है सेशन में, लाइक कर दो यार, ठीक है लाइक कर दो। नवंबर 20 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1959 में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्ट किया था, और 1989 में यूएन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड इसको अडॉप्ट किया था। तो ये एडिशनल पॉइंट डाल दिए, पढ़ो तो ठीक है ना पढ़ो तो भी ठीक है मेरे भाई, एटलीस्ट आपको इसका थीम और डे जरूर याद रखना है, ठीक है ये दो चीजें याद रखना। मिसलिनियस न्यूज पे आते हैं, मिसलिनियस न्यूज दो अच्छी है यहां पर, एक तो यह है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर अभी डिक्लेयर किया, इसका नाम है हेलुसिनेट। ओके, हेलुसिनेट, हेलुसिनेट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इस नाम को, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट मतलब होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, गलत बताना मेरे भाई, ठीक है जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत बार, अरे शेर आया शेर आया शेर आया, इट इज वॉट हेलुसिनेट। ओके, हेलुसिनेटिंग, ठीक है हेलुसिनेट, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। टू ये लिखा हुआ है कि किसी ऐसी चीज को देखना सुनना महसूस करना सूंघना प्रतीत होना जो अस्तित्व में नहीं है, आमतौर पर किसी स्वस्थ स्वास्थ्य स्थिति के कारण या क्योंकि आप में कोई दवा आपने कोई दवाई ली, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो मेरे भाई कुछ भी ऐसा फील करना जो हुआ नहीं है, इट इज वर्ड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन अक्सर आप लोग सुनते हेलुसिनेशन हो गया इसको, ठीक है वही है मेरे भाई हेलुसिनेट वर्ड है। ओके समझ में आ गया, या अब हेलुसिनेशन तुरंत मेरे क्लिक किया तो मेरे क्लियर हो गया, अच्छा है क्या है इसका मतलब, टू सीम टू सी हियर फील्स ओके समथिंग दैट डज नॉट एग्जिट, ऐसी कोई भी चीज जो एग्जिट नहीं करती उसको फील करना हेलुसिनेशन हो गया। ओके अरे यार मेरे को कुछ दिख रहा है, हेलुसिनेशन हो गया। ओके, कॉलिंस डिक्शनरी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, तो ये भी याद रखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी हो गया, ओके कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो गया, तो जितने भी ये डिक्शनरी दे रहे हैं नाम ये अपने को पता होने चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आईएनएस शारदा घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, मेडागास्कर पहुंच गए। ओके, और मेडागास्कर में भी एक पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है अंतिसिराना। ओके, अंतिसिराना अंतिसिराना अंतिसिराना, तो पोर्ट अंतिसिराना ये मेडागास्कर में है और यहां पर आईएनएस शारदा पहुंच गया है। ओके, घूमते घूमते दोनों देशों के बीच में संबंध है उनको मजबूत करने के लिए, असल में एक इनिशिएटिव है सागर, मिशन सागर, उसके एक भाग के रूप में ये डिप्लॉय किया गया था। ओके, या वहां भेजा गया था, तो इसको जरा देखते हैं हम लोग, सागर समझ लेते हैं सागर क्या है। मेडागास्कर सागर का एक भाग है, सागर इनिशिएटिव का 2020 में भारत ने इसको लॉन्च किया था, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ओके, इंडिया ने इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया था कि जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं उनमें सहायता पहुंचाना, COVID-19 पेंडेमिक के बाद जो समस्या रही थी उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन कंट्रीज जो है, ठीक है
हिंद महासागर क्षेत्र में जो देश है उन तक सहायता पहुंचाना, राहत सहायता पहुंचाना इसका उद्देश्य रहा था। ये इनिशिएटिव में मालदीव, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कॉमरस, सेशल्स, ये देश कवर किए गए हैं। ओके, ये नाम याद रख लेना। मेडागास्कर की राजधानी मुद्रा बता पाओगे? जहां तक अंता नरी वो करेंसी अरे आ रही है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट तुम लोग ढूंढ के बताओगे मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए। अंता नरी वो करेंसी अरे यानी जहां तक है। ओके, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, लास वेगास। अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता होता तो पहले पेज पर रखता, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता मेरे भाई, दुख है। मैंने कहा आखिरी में डालो मेरे दोस्त, अगली बार 2024 के वर्ल्ड कप में पहले पेज पर रखेंगे। तो लास वेगास ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। ओके, ये इनकी कैरियर की 18वीं जीत रही थी, 18वीं 18th विक्ट्री रही थी इनकी कैरियर की, नहीं गलत बोल गया, इस साल की, इस सीजन की मेरे भाई, इनकी 18वीं जीत रही थी। कैरियर की कौन सी रही थी, अपने होमवर्क में लेको मेरे भाई, ठीक है? ये आपको ढूंढ के बताना है कि इनके कैरियर में कौन सी जीत रही थी इस साल की, इनकी लास वेगास ग्रैंड प्री 18वीं जीत थी, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया क्लिंच 6 वर्ल्ड कप टाइटल, बीट इंडिया बाई 6 विकेट, भारत को 6 विकेट से हरा के ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच रहा था, भारत ने मेरे दोस्त ओपनिंग बहुत बढ़िया करी थी, एक तरफ से रोहित शर्मा इतना मार रहा था, इतना मार रहा था, लगा था कि भूत बना देगा मेरे भाई, गलत शॉट खेल के भाई साहब आउट हो गए उनका विकेट, फिर विराट कोहली भी फिर ज्यादा देर नहीं टिक पाए, श्रेयस अय्यर आता राम जाता राम मेरे भाई, राहुल भाई ने वो ज्यादा बॉल खेल ली लेकिन जरूरी भी थी, रविंद्र जडेजा जी कुछ कर नहीं पाए, सूर्य कुमार यादव मेरे दोस्त जल्दी अस्त हो गए, इंडिया के मेरे दोस्त बैटिंग कोलैप्स हो गए, 240 पे ऑल आउट हो गए, 240 के बाद 41 का टारगेट था, पहले 3 विकेट तो ऐसे लगे कि भाई इंडिया जीत ही जाएगा, लेकिन उसके बाद स्पिनर कुछ कर नहीं पाए, फिर मोहम्मद सिराज मियां मैजिक भी चला नहीं, तो ओवरऑल ये था कि किस्मत में नहीं था मेरे भाई कह सकते हैं, या युग के प्रयासों में कमी रह गई थी ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं मेरे भाई कि अगली बार और बेहतर करेंगे तब जीत कर आएंगे। ओके, कुछ भी गए मेरे दोस्त, दुख में मतलब दिल में थोड़ा दर्द है, बट कोई दिक्कत नहीं, 2024 का वर्ल्ड कप क्या पता इसको मेरे भाई कम कर दे, बट मैं चाहता था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते यार, बहुत मेहनत करी बंदे ने टीम बनाने में, ठीक है? बट कोई नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर है वो होता है, अपनी तरफ से हम प्रयास कर सकते हैं। इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ट्रॉफी दी थी पैट कमिंस को जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मेरे दोस्त ये फाइनल मैच रहा था, प्लेयर ऑफ द मैच है ट्रेविस हेड रहे थे, बहुत मार लगा इसने। ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई विनिंग टीम, उसको $4 लाख मिला था, रनर अप टीम को $2 लाख, यहाँ इकाई दही सैकड़ हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, ये देखना पड़ेगा मेरे भाई इसको, ठीक है? मैं इसको देख लूंगा, $40 लाख लिखा हुआ है यहाँ पर। प्राइज मनी छोड़ दो अभी, ठीक है? प्राइज मनी छोड़ दो, मैंने विकीपीडिया से उठाया, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है? हाँ, यहां से सोचो, ये सारा मेरे भाई ऑथेंटिक है, इसको देखो। पहला एडिशन 1975 में हुआ, होस्ट कौन सा रहा था, इंग्लैंड रहा था, चैंपियन वेस्ट इंडीज रहा था, ठीक है? उसके बाद लेटेस्ट एडिशन जो रहा है 2023 का, वो 13th एडिशन रहा था, 13वां संस्करण, ऑर्गेनाइज किया था आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। ओके, चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहा, ये छठा टाइटल है इसका, सबसे ज्यादा टाइटल इसी ने जीते हैं। भारत रनर अप रहा, टोटल 10 देश थे मेरे भाई, मैचेस 48 रहे थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली थे, क्योंकि उन्होंने 11 इनिंग में 765 रन बनाए थे, ये भी ऐतिहासिक है, इतिहास में दर्ज हो गया इनका नाम। मोस्ट विकेट मोहम्मद सामी के नाम रहे थे मेरे भाई, 24 विकेट इन्होंने लिए थे, 24, हाँ 24 विकेट इन्होंने लिए थे। मैस्कॉट ब्लेज और टोंक रहा था, और जो शुभंकर रहा था। 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। अब आपको कहोगे सर ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इसमें जो टॉप 7 टीम है वो क्वालिफाई करेंगी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, प्लस होस्ट कंट्री, तो कुल मिलाकर 8 देशों ने क्वालिफाई कर लिया है कि जो टॉप 8 में दिख रहे हैं, तो वो जो टॉप 8 में दिख रहे हैं वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए। अब जहां तक मेरे दिमाग में आया कि यार अब एग्जामिनर जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी न्यूज में रहा है तो पूछ सकता है कहां पर होगा, तो पाकिस्तान होस्ट करेगा 2025 में। ओके, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया इस साल का 50 ओवर का, अगले वार का जो 2027 में रहेगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। ओके, 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा इसको इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेगा, लेट्स सी अगले दोनों वर्ल्ड कप अपने नाम ही हो मेरे भाई। ओके, हीरा ओवरऑल सेशन, आई होप यार क्लियर रहा होगा, मजा आया होगा, ठीक है? कंटेंट एक नंबर है मेरे भाई, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ बट तुम लोग सुनते सुनते नहीं थकते हो, ठीक है? मजा आया मेरे भाई सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, अगर मैं अपने इतने एफर्ट पुट कर सकता हूँ तो यार थोड़ा सा तुम्हें तो करना है, शेयर ही तो करना है, कर दिया करो यार, ठीक है? बाकी मेरे भाई अभी करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें आज से हम लोग अक्टूबर इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और मे बी मैं सेशन के बाद तुरंत गुड़गांव निकलूँ तो हो सकता है ये वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास इवनिंग में हो, ठीक है? बट मैं वो इन्फॉर्म कर दूंगा आपको ग्रुप में। बाकी आपको इतना याद रखना है कि हाँ इस सेशन में भी जुड़ना है, आज करंट अफेयर्स की क्लास भी है, और 2:30 बजे हमारी
फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास है। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंडियन बैंकिंग सिस्टम की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास होगी इंडियन बैंकिंग सिस्टम की मेरे भाई। ओके, हो सकता है इसमें भी आज 2 क्लासेस लगे फाइनेंशियल अवेयरनेस की, मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास और लेनी पड़े क्योंकि मुझे मेरे दोस्त इस कोर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, और मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हर संभव अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, ये आपने 3 क्लासेस में देख लिया होगा। तो ऐसे मेरे भाई मित्र दोस्त जिनको करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस या बेसिकली बोलूँ फाउंडेशन कोर्स अपना कंप्लीट करना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है, वॉरियर प्रो में जाकर एडमिशन लीजिए मेरे भाई। ओके, ये आपको 1496 का मिलेगा, 12 मंथ इसकी वैलिडिटी है, बट आज इस पे आपको 12 मंथ की बजाय 24 मंथ वैलिडिटी मिल रही है, अभी स्टोर पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। बट हाँ, अपने भाई का कोड लगा लेना Y168, ओके, 78% डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा। ये आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है, अगर आपके पास बैंक महापैक है तो ये आपको मिलेगा। आपके पास अगर टारगेट SBI बैच है तो मेरे भाई बहुत बढ़िया है, प्री प्लस मेंस का बैच है, अगर नहीं है तो आप बैंक महापैक लीजिए। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ बैंक महापैक लो, उसमें सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिल जाते हैं, फिर इतना दिमाग नहीं लगाना कि ये बैच लें वो बैच लें, ये टेस्ट सीरीज लें वो टेस्ट सीरीज लें, ये ई बुक लें वो ई बुक लें, सब कुछ इसमें मिलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ वैलिडिटी रहती है, एक बार चेक कर सकते हो स्टोर पर, अगर 12+12 दिख रहा है, 6+6 दिख रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। कोड लगाओ मेरे भाई, बैच ज्वाइन करो, पढ़ना शुरू करो, लेट लतीफी मत करो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।